the background. Okay, now I have to stand. No, just putting it behind. Sorry, guys. Sorry. Sam. That's okay. Come on. Yeah. Lovely. Is it good? Super. Sorry, man. No problem. Come. Hello, hello, hello. Hi. Happy birthday, firstly. Thank you so much. Thank you. So, yeah. Is this the best birthday party you could have had? This side. Everyone's holding their breath. I am. बहुत जोर से पकड़ के रखे हैं भाई. Lovely. Thank you guys. So Thank you so much. Come on. Who wants a sir? Maybe do my to de di. Sir, firstly, good to see you. You give. Very rare to see you in the birthday party. Because he loves you. Yeah. अगर मैं नहीं अगर मैं बांद्रा से यहाँ नहीं आता तो कल अटैक हो जाता है. और सर क्या कह रहे थे किस तरह की सरप्राइजेज और नहीं यार मैं अपने दोस्त को विश करने आया हूँ बस. और एक गाना सर आपकी मैं इनसे गवाओ नया उन्होंने कहा दिया आपके बारे में कम यू टू जग घूमे या थारे जैसा न कोई जग घूमे या थारे जैसा न कोई मिले हाय जग घूमे या थारे जैसा न कोई Happy birthday. Thank you. Sir, is there any upcoming project to come up? आप सारी बातें आज ही कर लो. कुछ आने वाले करेंगे करेंगे करेंगे. बहुत लग रहा है कुछ प्रोजेक्ट आने वाले आप बता नहीं रहे. नहीं बता रहे हैं आपको बताएंगे बाद. Thank you. अभी पठान रिलीज होगी तो बहुत बहुत एक्साइटमेंट है. हमने भी काफी वेट किया. हम भी चाहते हैं कि हमारा पहला गाना जल्द रिलीज हो रहा है और आप सुने आप लोग सब सुने. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. थैंक यू. Now you're alone. Makes me realize my age, so I have told her I am 28. So just do the math. She's not 40. I'm sorry. And सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं उसको 20 साल से जानती हूँ, and she has not changed at all. And that is my wish for her that she never ever changes. I guess you'll never follow the theme at her birthday parties.
hello, please. Of course, I have followed the team. This is my maximum that I can bear. Big Boss, मैंने actually 6 साल से देखना छोड़ दिया. पहले देखती थी मैं. नेहा जी का कुछ यादगार पल बताना चाहोगे जो उनके साथ आप बिताए हो, उनका कोई फेवरेट सॉन्ग है जो आप गुनगुनाना चाहोगे? आप शायद जानते नहीं हो, हम लोग साथ में एक बैंड में हुआ करते थे. तो वी आई हैव मेनी फॉन्ड मेमोरीज. वी हैव स्टार्टेड आवर करियर्स टुगेदर. So she is extremely dear to me and I wish her the very best for a fantastic career and life and lot of good health and lots of wealth. Any song from Viva? Humne geet sunaye, humne rang sajaye. Yeah. Damn, you look beautiful. Thank you. Thank you. Sundarta ka raat ho gayi. Iska koi jawab hi nahi hai. Just very good genetics, that's all. I give all attribute to my parents for my youthful looks. हाय, हैप्पी बर्थडे नेहा. नेहा मेरी बहुत खास दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है जब बिग बॉस से बाहर आए हम. और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब आज उसका बर्थडे. आज मेरा फ्लाइट है लंदन में, 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ वापस आज अभी. तो बस मैं विश करने के लिए आया हूँ. ऑब्वियसली अभी रात को एनीवे मैं इतना वो नहीं. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड नेहा आई लव यू एंड आई एम सो हैप्पी कि आज उसका बर्थडे. और मैं वापस उसे साथ हूँ. लास्ट टाइम बिग बॉस में थे साथ में और ये टाइम साथ. हाँ, फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो कर, ट्वीट मार रहा हूँ. मेरा प्रियंका मेरी फेवरेट. आई लाइक प्रियंका. अर्चना मुझे बहुत पसंद है. साजिद कैसे? आई थिंक दैट ठीक है. मतलब क्या बोलूँ, पार्टिसिपेशन मुझे लग रहा है कि और हो सकता है. आई थिंक जो बिग बॉस ने सालों को फायर किया कि रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, जो साजिद सिगरेट मारा था गार्डन में, फॉर दैट ही शुड आल्सो बी फायर कि रूल्स ब्रेक किया उसने. बट ये सीजन इतने सारा मतलब रूल्स ही नहीं है. मतलब हमारे सीजन में छोटी चीज़ में हमको डांटते थे, ये सीजन इतना फ्री है, इतना ये, मुझे समझ आ रहा क्या हो रहा है. घर को मिस कर रहा हूँ, अपन ये घर थोड़ा डिफरेंट है मेरा घर से. भाई भाई साहब, मैं लॉकअप नहीं कर सकता, ये बहुत एक्सट्रीम है मेरे लिए. क्या लंबी रेस का घोड़ा मतलब? ओ हॉर्स, लंबी. अच्छा अच्छा अच्छा, आई थिंक प्रियंका है. आई थिंक अच्छा अच्छा चीज़ है, तुमने बोला ना लंबी कैसे घोड़ा. बहुत झूठ बोल बोला फिर ये जो जो चीज़ है. अच्छा, लंबी कैसे घोड़ा. आई थिंक प्रियंका, आई थिंक अंकित वॉन्ट टू गो फास्ट. मुझे सब चाहते हो आगे. अर्चना फर्स्ट शो. सी दैट्स नॉट माय सिचुएशन. जो साथ बाहर हो रहे हैं, दैट्स नथिंग टू डू विद मी. आई कैन ओनली स्पीक ऑन हिज गेम एंड द गेम के हिसाब से बोलता हूं. आई थिंक दैट ही शुड पर्क अप मोर. राजीव, लॉकअप के भी बात चल रही थी, करण भी थे उस सीजन फर्स्ट में. कभी आपको मौका मिले, आपको क्या लगता है वो जेलर बनने में पार्टिसिपेंट बनूं? मैं तो ये तो कभी हो गया नहीं. क्या लगता है आपको भी जेलर बनना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आई थिंक बिग बॉस इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म, लॉकअप इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म. इवन आई लव लॉकअप, इट्स अ फैंटास्टिक शो, बट आई डोंट थिंक मेरा बस का. आप अभी किस तरह के प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं? एक शो आ रहा है हाउसफुल के लिए, आपको एक अच्छा शो. हां, भाई मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या कुछ. एनीवे, हैप्पी बर्थडे नेहा. Thanks.
हेलो हेलो, एक इसका है सीधा ऐसा भर देने का, कोई भी आया ना। हेलो 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 हेलो, अच्छे भरो। दिखाना नहीं है भाई, दिखाना नहीं है, ऐसा है। हाँ तो इधर इधर से आ रहा है, इधर से कनेक्ट हो रहा है। I'm so happy to be here and I would like to wish her a great year ahead and rab kare o hamesha ide chadhdi gala chalega. Cheers. Thank you. Gaana bhi ओ चल कुड़िए नी चल हो तैयार देसी दारू इंग्लिश बार, कुड़िए नी चल हो तैयार देसी दारू इंग्लिश बार, छोटे छोटे पैग मार बेबी छोटे छोटे पैग मार, छोटे छोटे पैग मार बेबी छोटे छोटे पैग मार। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू टू, थैंक यू। हेलो, मैं गिफ्ट यहाँ रख दूँ थोड़ी देर, फिर ले लेते हैं। अभी और बना रहा हूँ ना, जब बन जाएगी तब उतारूंगा। अब वो तो उनको पता चलेगा ना, आप जाके क्या करोगे, खोलो मत। यस बताइए, कुछ नहीं यार, मैं जैसे अंजलि के बर्थडे पे लेट हुआ था वैसे आज भी मैं यहाँ लेट हूँ, शूट से भागता हुआ आया हूँ। मेरे पास टाइम भी नहीं था गिफ्ट रैप करने बराबर से, पर मैंने कैसे भी रिबन रिबन बांध के अपने हाथों से प्यार से गिफ्ट भी लाया, रैप भी किया उसको। बस अब मुझे भागना है, पार्टी करना है। नैन आज आप लोग देख सकते हो, डेयर टू बेयर। यस यस यस, इनफैक्ट मेरा हाथ भी टूट गया है यहाँ से, और ये आप देख सकते हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर छिला हुआ है। तो हाँ भाई, एक्शन पैक्ड मूवी है। और यार मैं बिग बॉस मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा, जैसा मैंने बताया था, मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा हूँ। अब मुझे नया मुद्दा मिला है एक, के घर में चिकन नहीं है, तो चिकन पे मुद्दे बन रहे हैं कि भाई हाँ चिकन चाहिए घर में, ऐसा कैसे हो सकता है। यार मैं कसम से जब मैंने वो सुना, मेरे को ऐसे लगा कि यार तुम लोग हमारे सीज़न में नहीं आए, हम लोग को नॉन वेज नाम का मतलब खाली वेज आता था, नॉन हम लोग को दूर दूर तक पता नहीं था क्या होता है। अंडे आते थे वो भी हम लोग ना एक दो मतलब खाते थे दिन के, वैसे होता था, दैट्स इट। मैंने सुना किसी लड़की ने हाथ उठाया, उसको वापस लेके आ गया था, है ना। मैंने तो हाथ उठाया भी नहीं था, मेरे पे उठाया गया था। यार वो तो अब हो गया ना, जो अनफेयर था वो हो गया, अब जो अब आई गेस अब वो लोग फेयरनेस दिखा रहे, तो आई थिंक दैट इज रियली गुड। बट आई मूव्ड ऑन, आई एम मूविंग ऑन टू बेटर थिंग्स इन लाइफ।
मैं बहुत खुश हुई यार। क्या लगता है टाइम है भाई, टाइम है यार। प्रियंका बहुत ही स्लाई गेम खेल रही है। वो होता है ना दूसरे कंधे पे गोली, बंदूक रख के गोली चलाना, तो आई थिंक वो हो रहा है। आई थिंक टीना बहुत अच्छा गेम खेल रही थी, बट आई थिंक अभी फिलहाल थोड़ा सा वो शालिन के उसमें ना, शी इज़ अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, शी गेट्स अ माइंड बैक ऑन ट्रैक। मेरे लिए तो डेफिनेटली टॉप फाइव में टीना आती है, अब्दू आता है, आई लाइक एम सी स्टैन, वो अच्छा खेल रहा है। मेरे को शिव बहुत पसंद है, बहुत जेन्यून बंदा है वो, एंड आई थिंक अंकित इज़ गुड। नहीं लिया, नहीं, बट वो बहुत स्लाई गेम खेल रही है यार। तो यार वो खेल सकती है, वो स्लाई खेल सकती है, बट दैट इज व्हाट, कितना काम करेगा, क्योंकि अगर आप एक कनिंग गेम खेल रहे हो सबको दिख रहा है। यस थैंक यू भाई। साजिद खान डिजर्व करते हैं घर में रहना यार, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, बिकॉज सी वट एवर हैज हैपेंड, वट एवर एलिगेशंस, वो आप उसी दायरे में बोल रहे हो ना, तो रूल्स भी काफी ब्रेक कर रहे हैं यार इतना। हाँ बिकॉज मैंने कहीं पे पढ़ा था, हाँ नहीं अबाउट ब्रेकिंग, ब्रेकिंग रूल्स तो यार क्या ही फर्क पड़ता है यार, सब लोग तो रूल्स तोड़ते ही रहते थे घर में, सो आई डोंट थिंक घर के अंदर रूल तोड़ना है सच अ बिग थिंग, बट आई हर्ड के लोग बाहर एलिगेशन लगा रहे थे, हाउ कुड यू लेट समवन लाइक दिस इनसाइड एंड दिस एंड दैट। यार आई अंडरस्टैंड व्हाट ही डिड वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट दैट इज इन द पास्ट, दैट गाय हैज यू नो चेंज्ड एवर सिंस दैट। तो आई फील कि अगर कोई बंदा गलत कर रहा है एंड इफ यू डोंट गिव दैट पर्सन अ चांस टू चेंज एंड यू जस्ट टैग हिम कि यार ये वो बंदा है, हाउ इज इट गोना वर्क, हाउ इज इट गोना वर्क। आप एवरी वन डिजर्व्स अ चांस, हर एक को एक चांस मिलना चाहिए टू प्रूव देमसेल्व्स कि भाई मैं बदल गया हूँ, मैंने गलतियाँ की है। सो आई थिंक येस एज मच एज एवरी वन एल्स डिजर्व टू बी देर, आई थिंक इवन ही डिजर्व टू बी देर इरिस्पेक्टिव व्हाट एवर्स हैपेंड इन द पास्ट। लॉकअप टू की यार वो ही ना, लॉकअप, बिग बॉस, अब मैं एज अ कंटेस्टेंट तो नहीं जाऊँगा। मे बी खतरो, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वुड लव टू डू, बट अदर देन दैट आई वुडंट वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ यू नो वन ऑफ दीज लॉक्ड अप रियलिटी शोज। नो 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 सिगरेट रूम दिया हुआ है ना, वहाँ करो ना। वही ना, इट इज स्टूपिड, बिकॉज अगर आप, मैं भी सिगरेट पीता हूँ बट आई डोंट प्रमोट इट एवरीवेयर के गाइस सिगरेट पीना अच्छी बात है, आपको एक स्पेस दिया गया है बिकॉज यू स्मोक, जाओ वहाँ करो ना, बाहर क्यों कर रहे हो, इट्स एज सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय। यस माय गिफ्ट शी हैज इट। अबे ये कौन सी पुरानी गानों की बात कर रहा है, तू मेरा बन जा, नया गाना है। अच्छा कैसा लगा आपको? हाँ साउथ लुक में, धोती में, एकदम लुंगी में, बहुत मजा आया। आप लोगों को अच्छा लगा? बहुत अच्छा गाना है,
हाँ नेहा का बर्थडे हैप्पी बर्थडे आई थिंक कल है, आई थिंक नहीं कल है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे नेहा। नहीं भाई बिल्कुल फॉलो नहीं। हाँ 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 वो डॉक्टर वाला तो हो गया, पर उसके बाद कोई आपका फेवरेट नहीं? कोई फेवरेट नहीं है उसके बाद, आई थिंक आप अपडेट नहीं, वो इविक्ट होके वापस आए ना, तो उस पर मैंने कुछ लिखा था कि ना मेरी बारी पे तो वापस नहीं लाए गए हमें, तो काफी वो जो हाला भाई आपके साथ आपके आपको तो पूरा निकाल दिया। हाँ हाँ मेरे अभी 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 भी सेम हुआ, लेकिन दे गॉट अ बैग, तो बेस्ट ऑफ लक टू अर्चना, बट मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, मैं सोच रहा था कि दिल्ली ब्रिंग मी बैक। कई फैंस बोल रहे थे कि उमर के साथ अनफेयर हुआ, वो तो मैंने उसके बाद गाना भी निकाला मेरा सफर, तो उसमें सब कुछ है कि मेरे को पूल में फेंका गया था, क्या क्या सब कुछ हुआ था, बट आई थिंक लोगों को सब पता है, बट इट्स ओके। मैं आई थिंक बेस्ट ऑफ आने वाले समय में आप लोग तो हो गई, शामिल हो गई, सो या तो थैंक यू सो मच। डेयर टू बेयर, हाँ नेहा है तो बोल्ड थीम हमेशा रहता है। या दिस इज द बेस्ट आई कुड फाइंड इन माय वार्डरोब, या थैंक यू गाइस। इतना बड़ा सरप्राइज आ गया यार। कहना क्या चाहूँगा, नेहा इज माय फेलो डियर स्कॉर्पियन फ्रेंड हू इज रियली क्लोज, एंड हम दोनों के ट्रेड्स बहुत एक दूसरे से मिलते हैं, सो शी इज अ डियर फ्रेंड। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल द फ्रेंड्स अगेन यार, एंड बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत स्वीट है यार नेहा, मतलब शी इज डैम स्वीट। स्कॉर्पियन है ना? यस, कल आ रही है, कल आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जैसे कि हाँ कहानी के बारे में क्या बोलूँ, आपके सामने गौरव ऑल्सो नोन एज चंदू खड़ा है, सो आप देखिए प्लीज़ कंट्री माफिया कल से, और बताइए अगली मीटिंग। हाँ वो झलक थोड़ी छुपा के रखी है, मतलब वो वैसी चीज़ है। किरदार के बारे में मैं बताऊँ तो वो सरप्राइज पैकेज है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बट यस सीजन वन हैज़ दिस कैरेक्टर कॉल्ड चंदू विच विल ड्राइव ऑफ ऑल द अदर सीजन विच वी हैव प्लान, सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड दैट कि कैसा होगा। बाकी तो आप सब लोग बताएंगे कि कैसे। यार जेन्युइनली बोलूँ तो बिग बॉस इस बार नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, बिकॉज अभी टी वी शो चालू हो गया है, इसका शूट चालू हो गया है, और बट पहले ज़रूर देख रहा था। अभी तो यार मेरी फ्रेंड सौंदर्या वहाँ पे है, जो मेरी को एक्टर है कंट्री माफिया की, शी इज़ डूइंग प्रीटी वेल, बहुत अच्छा खेल रही है। आई एम जस्ट होपिंग कि वो जीत के आ जाए, तो हम उसके लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं फॉर कंट्री माफिया के लिए। अब्दू हैज़ अ डिफरेंट चार्म ऑल टुगेदर, मतलब अब्दू का अब्दू लड़कियों से पूछो अब्दू के बारे में वो कितना क्यूट है कितने। यार मैं तो अभी तो सौंदर्य के लिए ही ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, अब टॉप फाइव मतलब ठीक है थोड़ा सा पार्शल हो रहा हूँ, बट हाँ नहीं एक्चुअली मैं खुद सरप्राइज था शूट के टाइम पे, बात
बिग बॉस की हो ही नहीं पाई थी। हाँ, इनफैक्ट उसने मुझसे पूछा था, तो मेरा कुछ डिफरेंट ओपिनियन था, बट जब मैंने उसका प्रोमो देखा तो आई वाज माय सेल्फ सरप्राइज्ड ओवर इट। बिग बॉस अबाउट द रियलिटी शोज आई एम प्रीटी ओपन, मतलब डेफिनेटली मैं करना चाहूंगा, बट बिग बॉस बिल्कुल नो, आई डिडंट से नो टू इट, बट आई एम नॉट ओपन फॉर इट, आई एम नॉट, मतलब आई थिंक मैं बिग बॉस नहीं करना चाहूंगा, सिंपल एज सिंपल, मतलब जस्ट लाइक दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। You were not there. Dare to bear. पहले बताओ बज कितना रहा है?